वेलकम बैक टू स्मार्ट जीके ट्रिक्स। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बैंकों को प्राइवेटाइजेशन करने के बारे में। जैसे कि आपको पता है कि बहुत सारी ट्रेनों को भी मोदी सरकार जो है प्राइवेटाइजेशन कर रही है, प्राइवेट को दे रही है। कुछ ट्रेनों को ऑलरेडी दे चुकी है, उसी तरह बैंकों को भी प्राइवेट को देने की तैयारी पूरी तरह से कर रही है। अगर हम बात करें कि 2017 से पहले लगभग अगर पब्लिक सेक्टर की बात करें तो 27 बैंक थी, लेकिन 2020 में बहुत सारे बैंकों को मर्ज करके, जैसे इलाहाबाद बैंक को बैंक ऑफ इंडिया में मर्ज कर दिया गया, उसी तरह बहुत सारे बैंकों को मर्ज करके केवल पब्लिक सेक्टर में 12 बैंक बच गए थे। अब 12 बैंकों को भी हटा के मात्र 6 बैंक पब्लिक सेक्टर में बचेंगे, बाकी सारे जो बैंक होंगे उनको प्राइवेट को दे दिया जाएगा, प्राइवेटाइजेशन कर दिया जाएगा। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि 6 बैंकों को छोड़कर बाकी को प्राइवेट में दिया जा रहा है, इससे ग्राहकों पर क्या असर पड़ने वाला है और किस तरह इसका इफेक्ट रहेगा, इन सारी चीज़ों को हम जानते हैं। तो जैसे कि पता है कि बड़ी संख्या में बैंकों को निजीकरण करने की मोदी सरकार तैयारी कर रही है और बैंकों के साथ साथ इंश्योरेंस कंपनियों से भी सरकारी हिस्सेदारी को ख़त्म करेगी। जो इंश्योरेंस की कंपनियां हैं और अपना शेयर गवर्नमेंट लगा रखी है उनमें, उनके हिस्सेदारी को भी समाप्त करके वो प्राइवेट सेक्टर को दे देगी। आगे हम बात कर लेते हैं कि केंद्र सरकार ने बड़े वित्तीय फैसले से पहले 6 बैंकों को छोड़कर बाकी सभी बैंकों के निजीकरण पर सहमति बनाई है, जिसकी औपचारिक घोषणा अभी बाकी है। चरणबद्ध तरीके से निजीकरण की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। पहले चरण में 5 बैंकों की हिस्सेदारी बेची जाएगी। सबसे पहले अगर बैंक की बात करें तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र को निजीकरण किया जाएगा। इसके बाद इंडियन बैंक ऑफ ओवरसीज को, और इसके बाद बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया प्राइवेट किया जाएगा। इसके बहरिस्त में यूको बैंक को भी शामिल किया गया है, ठीक है। तो इन सारे बैंकों को एक क्रमबद्ध तरीके से इनको प्राइवेटाइजेशन किया जाएगा। आगे हम बात कर लेते हैं कि इन सारे चीज़ों को करने से ग्राहकों पर क्या असर पड़ने वाला है। तो हाल ही के दिनों में निजी बैंकों पर लोगों का भरोसा कम हुआ है, क्योंकि निजीकरण के जो बैंक होते हैं उनमें क्या होता है, ज़्यादा प्रॉफिट नहीं हो पाता, या तो बैंक पैसे छोड़कर उनका घोटाला करके विदेशों में भाग जाते हैं, इसलिए लोगों का काफ़ी विश्वास कम हुआ है निजी बैंकों पे। आगे हम बात कर लें, हालांकि सरकारी बैंकों के निजीकरण की प्रक्रिया में ग्राहक हितों का पूरा ध्यान दिया जाएगा, यह गवर्नमेंट का कहना है। इस बारे में कैबिनेट ड्राफ्ट नोट्स भी तैयार होने की बात कही जा रही है। हालांकि निजीकरण के व्यापक विरोध की भी आशंका जताई जा रही है, खासतौर से कर्मचारी की तरफ से इसकी मुलाकात की जाएगी। साथ ही इससे बड़े फैसले पर सरकार की विपक्षी पार्टियां भी सरकार को घेर सकती हैं। आगे हम बात कर लेते हैं कि कौन कौन से इंश्योरेंस कंपनियां हैं जिसको जो कि गवर्नमेंट का हिस्सेदारी है उसको छोड़ने की तैयारी बना रही है। तो भारत में इंश्योरेंस का बाज़ार काफ़ी बड़ा है। सरकार में बनी ताज़ा सहमति के मुताबिक LIC और एक नॉन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी को छोड़कर बाकी सभी इंश्योरेंस कंपनियों में सरकारी अपनी पूरी हिस्सेदारी किस्तों में बेचेगी। इससे इंश्योरेंस बाज़ार में प्रतिस्पर्धा देखने को मिलेगी और अंतिम तौर पर ग्राहकों को फायदा होने की उम्मीद की जा रही है। इंश्योरेंस सेक्टर में विदेशी निवेश को भी सीमित निवेश की इजाज़त है, लिहाजा इस सेक्टर में आने वाले समय में कंपटीशन बढ़ेगा। बता दें कि फिलहाल सरकार के जिम्मे LIC के अलावा 6 जनरल इंश्योरेंस और एक नेशनल रिज्यूमरर कंपनियां हैं। सरकार के इस फैसले का दूरगामी असर होने की संभावना जताई जा रही है। तो इस तरह फ्रेंड्स, गवर्नमेंट काफ़ी चीज़ों को प्राइवेटाइजेशन कर रही है, बैंकों को भी प्राइवेटाइजेशन कर रही है, क्योंकि जो बैंक थे काफ़ी घाटे में चल रहे थे, उनके जो वित्तीय व्यवस्था थी वो काफ़ी बिगड़ी हुई थी, और गवर्नमेंट का मानना है कि प्राइवेटाइजेशन करने से इनमें सुधार होगा, काफ़ी बैंक को उठने में सुविधा होगी और उन्हें काफ़ी अच्छे से बैंक को आगे बढ़ाया जा सकता है। इन सब सारी चीज़ों को अपनी बताते हुए अपनी तैयारी कर रही है बैंकों को प्राइवेटाइजेशन करने के लिए। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा ले लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन पाने के लिए।